सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए, नए नए भजन के सारे अपडेट्स अपने फोन में पाइए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रवह निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बागलाछिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चै विद्या च कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धिदा प्रकृतिता। माँ भगवती की 10 महाविद्याएं हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला आदि। इन 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या श्री बगलामुखी हैं। श्री बगलामुखी का प्रादुर्भाव पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, आप उनकी शरण में जाएं। भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट आकर कठोर तप करने लगे। तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को वर दिया तथा सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीररति भी कहा है। माँ बगलामुखी की महिमा से तो संपूर्ण जगत विदित है। हम यहाँ पर माँ बगलामुखी की महिमा की छोटी सी कहानी आपको इसी YouTube चैनल पर दिखाएंगे। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में भराड़ी बक्सियाड नामक स्थान में स्थित माँ बगलामुखी की है। यहाँ पर यह मंदिर प्राचीन काल से पांडवों के समय का है। लोगों द्वारा सुनाई गई व बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई माँ बगलामुखी की महिमा सुनकर दिल खुश और आस्था बढ़ जाती है। जय माता दी। Subscribe this channel for more new bhajans.